अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ममर बांजे ने मिलकर एक टूर प्लान किया है स्वाद का, तो 6 दिन का टूर है माशाल्लाह। मैं हूँ, मम्मू जाना है, काफ़ी सारे भाई हैं हमारे साथ, तो वहाँ कुकिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। आपको वहाँ कुकिंग के खाने, रिवायती खाने जो भी वहाँ के, सबकी वीडियोज़ दिखाएंगे। तो आइए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये वकास भाई हमारे, ये हमें बताएंगे टूर की पूरी गाइडेंस, ये देंगे कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ स्टे होगा, सारा कुछ। जी वकास भाई। अच्छा, ऐसा कि अभी हम लाहौर से यहाँ से निकलेंगे तकरीबन 10:30 पे, और मोटरवे से जाते हुए हम पहले यहाँ से तिमरगिरा वाले रास्ते पे जाएंगे, वहाँ से फिर हम थल तक पहुँचेंगे सुबह मॉर्निंग में इंशाल्लाह ताला। वहाँ से फिर हमारा स्टे होगा थल में सुबह, और हम जो सराउंडिंग है उनको विजिट करेंगे। देन फिर हम उसके बाद हम जो नेक्स्ट डे है वो हम जाएंगे जहाज पांडा और कटोरा लेक के जाना। तो वहाँ पर जाके बहुत सारा इंजॉय होगा, वो ट्रैकिंग वाले रूट हैं, और इंशाल्लाह ताला वहाँ पर खाने भी पकाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। ये रिजवान भाई हैं जो मामू जान मेरे, खाने हमें खिलाएंगे मजे मजे के बना के। इनकी रेसिपीज बहुत मजे की होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी हमें बहुत ज़बरदस्त खाने खिलाएंगे। और रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मजे मजे की वीडियोज खाने की जो मिल जाए। थैंक यू। ये असद भाई हैं हमारे, ये भी हमारे टूर में हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। जी असद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ऐसे है कि जो लोग पहली दफ़ा ट्रिप कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, उनके लिए चंद एडवाइजेज हैं। वो जब भी जाएं इन पर ज़रूर अमल करें। एक तो सबसे पहले ये नॉलेज में रखें कि एक लंबा सफ़र है, ये ड्राइव तकरीबन 12 से 16 घंटे की है। तो सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग बड़ी ईजी और कन्वीनियंट होनी चाहिए, ताकि आप ईजी होकर उसको ट्रैवल करें। नंबर टू, आप यहाँ का और वहाँ का वेदर का भी बहुत डिफरेंस है, और वहाँ के पानी का भी बहुत डिफरेंस है। तो खाने के लिए कोशिश करें कि यहाँ से अपना मिनरल वाटर और यहाँ का लोकल वाटर लेके जाएं, और जो भी मसाला जा जो भी चीज़ें आप करते हैं, सबसे ज़्यादा वो इन चीज़ों को अरेंज करें और साथ लेके जाएं। वहाँ पे अपने खाने खुद बनाएं, ताकि आप इंजॉय कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ रिजवान भाई का, हमारे मामों का, जो हमारे साथ जा रहे हैं, मज़े मज़े के खाने बनाते हैं ये, और हमने सारी चीज़ें ये अरेंज की हैं साथ। वहाँ पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जब भी जाएं लंबे सफ़र के लिए, तो वहाँ पे गर्म कपड़े ज़रूर लें। वहाँ पे मौसम बार बार चेंज होता है, बारिश का मौसम होता है, तो एक अम्ब्रेला लें साथ, अपने लिए प्लेट चम्मच भी लें। ये सारी चीज़ें आप अपनी कैरी करें साथ, ताकि आप अपने टूर को पूरी तरह एंजॉय कर सकें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी व्यूवर्स, तो अब हम लाहौर से निकल चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में हम कुमराट पहुंचेंगे, वहां स्टे करेंगे, वहां नाश्ता वगैरह करेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चले जाएंगे। व्यूवर्स, तो हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका है। इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में हम कुमराट पहुंच जाएंगे मोटरवे रोड के थ्रू। जी व्यूवर्स, तो अब हम ये कुमराट से थोड़ा सा पहले कुमराट होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से ढाबा था, अब हमने यहाँ स्टे किया, यहाँ नाश्ता वगैरह किया हमने, यहाँ थोड़ा फ्रेश हुए, तो अब हम इंशाल्लाह कुमराट की जानिब जाते हैं। जी व्यूवर्स, तो अब हम कुमराट पहुँचने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ किसी अच्छे से होटल में स्टे करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है। ये हम थल के इलाके में मौजूद हैं, कुमराट के बिल्कुल करीब। तो आप मेरे ये पीछे देख सकते हैं, सेबों का बाग है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। ये सेब बिल्कुल पके हुए हैं, ज़बरदस्त व्यू है। हम कोशिश करते हैं कि आपको अंदर वाले भी जो पौधे हैं वो भी आपको दिखाएं। ये देखिए नाज़रीन, बड़ा जबरदस्त बाग में ये सेबों से भरा हुआ है ये बाग। गाड़ी वाले बिठा ही नहीं रहे, जैसे लटक रहे हो यार। ये ट्रैफिक जाम था, हमारी गाड़ी फंस गई थी, हम उतर गए। अब ट्रैफिक खुल गई है, गाड़ी वाला हमें बैठने नहीं दे रहा। ये मामू भाग रहे हैं, पढ़ो मामू। ये हमारे असद भाई आ रहे पीछे, असद भाई करीब उससे एक वादी पहले हम रुके हुए थल के इलाके में। ये माशाल्लाह जन्नत नुमा वादी है, बड़ी खूबसूरत वादी है। तो यहाँ ये सामने हम होटल ही, अभी हम बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंचे हैं। ये देखिएगा, तो अभी तकरीबन हम 18 घंटे में ये लाहौर से यहाँ ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा मजा आ रहा है, थकावट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मैं टाइम ज़्यादा नहीं करना चाह रहा था। अभी हम खाना बनाएंगे थोड़ी देर बाद, अब पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, जो भी बनाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, खुद भी सीखेंगे आपको सिखाएंगे भी। बहुत मज़ा आ रहा है ये बात। मैं आपसे कहूँगा कि जो कोई भी है, जो ये शौक रखता है वादी देखने का, वो कुमराट वैली में ज़रूर आए। ये थल में रुके, थल बहुत प्यारा लग गया। मैं आपको और विज़िट करवाता हूँ, विज़िट करें उसके बाद खाना बनाएंगे हम, ये पता नहीं क्या बनाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। हम तो आप कुछ कहोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे जी। तो हम मामू और बांजा इस मौजूदा थल रैली में, बहुत लेवल की जगह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कुदरत है। ये हम कैमरे में इसको आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकते जो हम खुद फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पानी इतना ठंडा है कि यकीन माने हम हाथ और मुँह धोने से भी हमें डर लगता है कि पानी बहुत ठंडा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ रहे, हम आपको इंशाल्लाह सारी वीडियोस दिखाते रहेंगे। आपको एक व्यू दिखाते हैं हमारे होटल के बाहर का व्यू, ये देखिए जी।